हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। रियल पार्ट क्या होता है और इमेजनरी पार्ट क्या होता है, और इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोगों ने ये देखा था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स एज वेल एज इमेजनरी पार्ट्स दोनों इक्वल होंगे, तभी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। और मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए देखिए, पहले मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे करेंगे। आपको दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर ऐड करना है तो आप लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको जेड वन इज इक्वल टू ए वन प्लस आयोटा बी वन दे रखा है और जेड टू इज इक्वल टू ए टू प्लस आयोटा बी टू दे रखा है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको उनको सम करना है जेड वन प्लस जेड टू, तो क्या होगा, रियल पार्ट्स को आप ऐड कर लीजिए। रियल पार्ट्स कौन सा है, ए वन, इसमें कौन सा है, ए टू, ए वन प्लस ए टू प्लस आयोटा टाइम्स बी वन प्लस बी टू, क्योंकि आयोटा बी वन प्लस आयोटा बी टू, आप आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वन प्लस बी टू। हम लोग चलिए कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर हम लोग को समझ में आएगा। अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए बताएंगे, आप लोग बताएंगे एग्जाम्पल। आपको जेड वन प्लस जेड टू बताना है। हाँ, मान लीजिए अगर आपको जेड वन दे रखा है टू प्लस थ्री आयोटा और आपको जेड टू दे रखा है फोर प्लस फाइव आयोटा, आपको क्या बताना है, जेड वन प्लस जेड टू बताना है। हाँ, और मान लीजिए चलिए दूसरे पार्ट में देखिए, इसको आप मान लीजिएगा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट बताइएगा। मान लीजिए अगर आपको जेड वन दे रखा है थ्री आयोटा और जेड टू आपको दे रखा है फोर प्लस टू आयोटा, थर्ड पार्ट में मान लीजिए अगर आपको दे रखा है माइनस जेड वन इज इक्वल टू माइनस टू जेड टू इज इक्वल टू टू आयोटा, और मान लीजिए अगर आपको फोर्थ पार्ट में दे रखा है जेड वन इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा प्लस थ्री, जेड टू इज इक्वल टू फोर प्लस आयोटा थ्री। चलिए कॉन्सेप्ट वही है, आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, अगर आप लोग रटने का प्रयास करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे करेंगे, रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे प्लस आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे। चलिए देखिए, जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें बात करूं तो जेड वन प्लस जेड टू कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिएगा साथ साथ बोलिएगा, रियल पार्ट कौन सा है टू प्लस, इसमें बोलिए फोर, टू प्लस फोर प्लस थ्री आयोटा प्लस फाइव आयोटा, आयोटा टाइम्स थ्री प्लस फाइव, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिक्स प्लस एट आयोटा। क्लियर है, क्लियर है, सिक्स प्लस एट आयोटा, या फिर आप लोग टू प्लस थ्री आयोटा प्लस फोर प्लस फाइव आयोटा करिएगा, रियल पार्ट को ऐड कर लीजिएगा सिक्स, आयोटा कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा एट। इसमें बोलिए जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू, जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू, इसमें बोलिए रियल पार्ट जीरो प्लस, इसमें रियल पार्ट फोर प्लस आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट थ्री, इसमें कितना है टू, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव आयोटा। चलिए यहां पे बोलिए, इस वाले में बोलिए रियल पार्ट कितना है माइनस टू प्लस, इसमें रियल पार्ट कितना है जीरो प्लस आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट कितना है जीरो, सेकेंड वाले में टू, तो कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस टू आयोटा। अच्छा, फोर्थ वाले में बोलिए रियल पार्ट थ्री, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थ्री प्लस फोर सेवन, थ्री माइनस टू वन आयोटा, ये आप लोगों का इसका आंसर हो गया है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं। या फिर अगर आपको जैसे मान लीजिए टू प्लस थ्री आयोटा फोर प्लस फाइव आयोटा है, तो आप लोग ऐसे सीधा सीधा लिख लीजिएगा टू प्लस थ्री आयोटा प्लस फोर प्लस फाइव आयोटा। आप लोग आयोटा वाले टर्म को एक साथ ऐड कीजिएगा और रियल वाले को एक साथ, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस थ्री आयोटा प्लस फाइव आयोटा क्या हो जाएगा सिक्स प्लस आयोटा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा थ्री प्लस फाइव, सिक्स प्लस एट आयोटा फाइव है ये फाइव,
तो 6 + 8i, 6 + 8i ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हैं, आप लोग को रियल पार्ट्स अलग ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग ऐड करना है, एडिशन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे समझिएगा, सब्ट्रैक्शन में आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोग ऐड कर रहे हैं वही अब आप लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग माइनस करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग माइनस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं z1 - z2 तो आप 2 - 4 करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, z1 - z2 2 - 4 करेंगे, 3 - 5 करेंगे। चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज अब पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली वही कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, यही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग देख लेते हैं, 2 से 3 मिनट लगेगा, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। बहुत ही बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये, आप सब लोग जानते हैं, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, लेकिन मेरा धर्म है बताना, आप लोगों का धर्म है पढ़ना। चलिए देखिए बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज लिखे हैं, 2 और हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे जल्दी जल्दी। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों का क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों का ये कहता है, अगर आपका z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो z1 + z2 भी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। नहीं समझे, कहने का मतलब ये है, अगर आपका z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 कोई डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम z1 + z2 करेंगे जो उनका सम आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। मींस कहने का मतलब द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z1 + z2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? चलिए आप लोग अगर ऐसे एग्जांपल भी देखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं छोटा सा यहां लिख रहा हूं, अगर आपका z1 = 2 + 3i होता है और z2 = -2i होता है, आप यहां से देख सकते हैं z1 आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां छोटा सा लिख लीजिएगा एग्जांपल, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, आप लोग सुनिएगा, z1 = 2 + 3i होता, z2 = -2i होता, तो z1 + z2 जो आपका होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, वो कितना होगा आप लोगों का 2 + i होता। मेरे हिसाब से अब आप लोग ऐड करना सीख गए होंगे, 2 + i होता, ये आपका क्या आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी आपका यही कहता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है z1 + z2 = z2 + z1, जो आप लोग पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, a + b = b + a, आपका कम्यूटेटिव लॉ भी वही कहता है, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, आप z1 + z2 लिखिए या फिर z2 + z1 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। एसोसिएटिव लॉ भी वही है, a + b (+c) = a + b (+c), वही लिखा है, अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 + z2 + z3 be any 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, then z1 + z2 + z3 should be equal to z1 + (z2 + z3), ये आपका क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, आप लोग टैलेंटेड हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब इसमें मैं क्या एग्जांपल कर रहा हूं, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, z1 + z2 लिखूं, फिर उसके बाद z2 + z1 दिखाऊं, अरे आप लोग इतने टैलेंटेड हैं, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए जो दो कॉम्प्लेक्स दो प्रॉपर्टी और है वो भी हम लोग देख लेते हैं, एक आपका एडिटिव इनवर्स है, एक और आपका है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिएगा, छोड़िएगा मत, स्किप मत कीजिएगा, लिखिएगा। चलिए लास्ट के दो प्रॉपर्टी आपके यही बची हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आपका क्या कहता है, जो आप लोग पढ़ते आए हैं, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 से ऐड करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वही मिलेगा, जेड मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको दे रखा है z = मान लीजिए अगर आपको दे रखा है 7 - 5i, और आपसे मैं बोलूँ z + 0 बताइए, z + 0 तो कितना आएगा आप लोगों का, यही तो आएगा, अगर आप इसमें 0 से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, z + 0 कितना हो जाएगा आपका, z हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा माइनस ऑफ z, जब आप z और माइनस z को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, आप लोगों का यही लिखा है कहीं, टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + i, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर -z कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ z। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर आपके पास z = दे रखा है 2 + 3i, तो -z कितना हो जाएगा, -z बोलिए -2 - 3i, तो z + -z कितना हो जाएगा, z + -z, इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो 0 ही तो हो जाएगा। रियल पार्ट देखिए,
2 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा जीरो, तो आपका क्या आ गया जीरो। जीरो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जीरो प्लस जीरो आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को लिखने का तरीका है, एक तरीका और होता है देख लो, जीरो प्लस जीरो आयोटा। हो सकता है आप लोगों को वीडियो में अंधेरा आ रहा हो, आप लोग ब्राइटनेस फुल कर लीजिएगा। तो कहाँ गया अपना, हाँ, जेड प्लस माइनस जेड कितना आ गया जीरो आ गया, जीरो प्लस जीरो आयोटा। ये आपका क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स कहने का मतलब ये है, अगर आपका जेड एग्जिस्ट करता है तो माइनस जेड भी एग्जिस्ट करेगा। सीधी सी बात है, जब जेड है तो आप उसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस जेड हो गया, तो जेड प्लस माइनस जेड कितना हो जाएगा जीरो, टू माइनस टू जीरो, फोर माइनस फोर जीरो, ए माइनस ए जीरो। सिमिलरली वही है, जेड माइनस जेड जीरो, अच्छा टू प्लस जीरो टू, फाइव प्लस जीरो फाइव, ए प्लस जीरो ए। सिमिलरली वही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही है, जेड प्लस जीरो कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग को प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, प्रॉपर्टी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पढ़िए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, इन प्रॉपर्टीज पर कोई बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है नहीं, लगवाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को मैथ्स उतना ज़्यादा आएगा। जैसे आप, मैं आपको ये प्रॉपर्टी बता दी है वो एडिशन, और आज आप जाइए, आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, आपको अगर पता करना है कि आप सही चल रहे हैं या नहीं, आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, चैप्टर वाइज आप देख लीजिए, उठा लीजिए। अगर आपसे चैप्टर वाइज लग रहे हैं तो मीन्स आप सही ट्रैक पे हैं, या फिर आपके स्कूल में या फिर आपके प्री बोर्ड में जो भी पेपर आ चुके हैं इन चैप्टर्स के आप क्वेश्चन लगाइए। अगर आपसे क्वेश्चन लग जा रहे हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं, तो मीन्स आप सही ट्रैक पे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, मीन्स अभी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, क्वेश्चन भी और सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लगाइए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपने अभी एडिशन में देखा था, सब्ट्रैक्शन बेसिकली कुछ होता होता नहीं है, आप वही ऐड करते हैं माइनस लगा के। जैसे आपको जेड अब माइनस करना है, जेड वन माइनस जेड टू, तो क्या होगा, जेड वन प्लस माइनस जेड टू, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। जैसे आप ऐड कर रहे थे वैसे आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। चलिए देख लेते हैं, एक मिनट लगेगा बस। चलिए देखिए, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आप मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, हो सकता है अंधेरा हो गया हो, बस जैसे जैसे आपका एडिशन है वैसे सब्ट्रैक्शन है, बस एक मिनट लगेगा बस। जेड वन माइनस जेड टू आपको पूछा है, जेड वन एंड जेड टू मान लीजिए आपके टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपका जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा, जेड वन प्लस माइनस जेड टू। मान लीजिए आपका जेड वन ये है, जेड टू ये है, और आपसे क्या पूछा है, फाइंड जेड वन माइनस जेड टू, तो आप क्या करेंगे, जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू, जेड वन आपका कितना है, टू प्लस थ्री आयोटा, 2 प्लस थ्री आयोटा, माइनस जेड टू आपका कितना है, 1 प्लस टू आयोटा। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग टैलेंटेड हैं, बताइए क्या करें, जेड वन माइनस जेड टू, टू माइनस वन, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 माइनस वन प्लस थ्री आयोटा माइनस टू आयोटा, थ्री आयोटा माइनस टू आयोटा कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन वन प्लस आयोटा बाहर ले लीजिए, दोनों में आयोटा है तो 3 माइनस टू हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 प्लस वन आयोटा। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन आप लोग मेरे संतुष्टि के लिए और लिख लीजिए, मान लीजिए अगर आपको जेड वन दे रखा है टू आयोटा और जेड टू आपको दे रखा है आयोटा, और आपसे पूछा है जेड वन माइनस जेड टू, तो क्या हो जाएगा, जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू आयोटा माइनस आयोटा, तो कितना आ गया आप लोगों का, आयोटा, क्योंकि जब आप आयोटा बाहर ले लेंगे तो 2 माइनस वन कितना हो जाएगा, 1, 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा आयोटा, 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा। ये था आप लोगों का सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, जेड वन माइनस जेड टू आपका ये था, अगर मैं आपसे पूछूं जेड टू माइनस जेड वन, ध्यान सुनिएगा, जेड वन माइनस जेड टू दिया गया, जेड टू माइनस जेड वन कितना हो जाएगा, जेड टू माइनस, इस बार आपको क्या करना है, जेड टू में से जेड वन सेपरेट करना है, जेड टू माइनस जेड वन क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी वही है, जेड टू माइनस जेड वन क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, आयोटा माइनस टू आयोटा, देख लीजिए आयोटा माइनस टू आयोटा हो जाएगा, जब आप आयोटा दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू, वन माइनस टू कितना होता है, माइनस वन, आयोटा माइनस वन तो कितना आ गया, माइनस आयोटा। जेड टू माइनस जेड वन आप वैसे भी समझ सकते हैं, जेड टू माइनस जेड वन माइनस बाहर ले लीजिए, जेड टू माइनस जेड वन नहीं तो लिखा है, तो आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ ये डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। आज लोगों ने एडिशन पढ़ा और सब्ट्रैक्शन पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।